लेट्स अज्यूम आप एक एवरेज साइंस स्टूडेंट हैं, क्लास में लास्ट बेंच पे बैठने वाले, दोस्तों के साथ मस्ती मजाक में पूरा साल कब खत्म हो गया पता नहीं चला, लेकिन अब बोर्ड एग्जाम होने वाली है और एग्जाम की तैयारी ना के बराबर है। सिलेबस बहुत बड़ा है, टाइम कम है, कम टाइम में सिलेबस कवर करना बहुत हार्ड लग रहा है। अब क्या होगा, कैसे होगा, यही सब सोच के टेंशन से सर फटा जा रहा है। और ऐसे सिचुएशन में केमिस्ट्री सब्जेक्ट तो आग में घी डालने जैसा होता है। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि इसे कैसे सुधारें? तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, सही स्ट्रेटजी से। हमें इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए प्रॉपर प्लान की जरूरत है। प्लान क्या है? प्लान ये है कि सबसे पहले पता करेंगे कि केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर्स को एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए बोर्ड में पूछा जाता है, मतलब चैप्टर का वेटेज। फिर पता करेंगे कि कौन सा चैप्टर इजी है और इजी चैप्टर को पहले तैयार करेंगे, जिससे इजी मार्क्स सिक्योर रहे और स्ट्रेस भी कम होगा। एट लास्ट इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं ये कैसे मान लो? इसके लिए हम बोर्ड के लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे, पैटर्न्स को समझेंगे, पैटर्न्स को फॉलो करके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिसाइड करेंगे। लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये सिर्फ मैं नहीं कहता बल्कि ये भी कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है लास्ट 10 से 12 साल के पेपर अगर सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें ज्यादा न्यूमेरिकल्स या फैक्ट पर बेस होने के बजाय सिंपल कंसेप्ट पर आधारित है। इसका मतलब है कि अगर आप इन चैप्टर्स की कंसेप्ट को समझेंगे तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हियर द लिस्ट ऑफ दोज चैप्टर्स, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, आयोनिक इक्विलिब्रिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनोकेमिस्ट्री। कुछ अन्य चैप्टर्स हैं जिन्हें हर कोई आसान नहीं मानता। अकॉर्डिंग टू मी यदि आप उनका ठीक से स्टडी कर रहे हैं तो आसान है। इस लिस्ट में मैंने थोड़ा ईजी थोड़ा हार्ड चैप्टर्स इंक्लूड किया है, जैसे बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स, अमाइंस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इस तरह से आपको जो चैप्टर्स इजी लगता है उसे पहले तैयार कर लें। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। उसके लिए हम पिछले 10 साल में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे और जानेंगे कि बोर्ड क्या पूछता है, किन चैप्टर से किस तरह का सवाल बन रहा है और उसी पर हमारा फोकस होना चाहिए। तो पहले चैप्टर नंबर 1 जो कि है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट ये चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। इसका वेटेज 3 मार्क्स का है विदाउट ऑप्शन और विद ऑप्शन 5 मार्क्स। ये चैप्टर हमारे इजी चैप्टर्स की लिस्ट में भी आता है। इसका पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। इसे मार्च 2013, 2014, 2017 में पूछा गया है। इसके साथ साथ 2019 में भी पूछा गया है। इसके हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ये क्वेश्चन अक्टूबर 2013, जुलाई 2019, मार्च 2022, जुलाई 2022। मैं तो कहूँगा कि डिफेक्ट जो टॉपिक है इसके सारे टाइप के क्वेश्चंस कर लें, क्योंकि ये एक वायरल टॉपिक है, जैसे ये क्वेश्चंस इसी टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं। पैटर्न की बात करें तो इस चैप्टर में स्मॉल क्वेश्चंस जो 1 मार्क के लिए पूछे जाते हैं कम ही बनते हैं। तो आपका फोकस इन क्वेश्चंस पर होना चाहिए और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए। सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर से डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, जैसे ऑस्मोसिस, जिसे मार्च 2013, जुलाई 2013, मार्च 2022 में पूछा गया था। ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मोलैलिटी, हेनरीज लॉ, आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऐसे ही कई डेफिनेशन पूछे गए हैं। सो आई रिकमेंड इस चैप्टर्स के सारे डेफिनेशन तैयार कर लो। सॉल्यूशन ये चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। इसका वेटेज पिछले चैप्टर से ज़्यादा है, विद ऑप्शन 6 मार्क्स का आता है। लेसन नंबर 3 आयोनिक इक्विलिब्रिया। इसका वेटेज भी 6 मार्क्स के लिए है, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। आयोनिक इक्विलिब्रिया इस चैप्टर को हाल ही में इंक्लूड किया गया है। सो जो क्वेश्चंस बने हुए हैं वो ज़्यादा नहीं है, उसमें भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे कि डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड pOH, इसे सितंबर 2021 एंड मार्च 2022 में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए।
इसके साथ साथ सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप्स क्या है, इसके बारे में भी सवाल पूछे गए हैं, विच इज़ फॉर 3 मार्क्स। कुछ डेफिनेशंस पूछे गए थे, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, एसिड बफर सॉल्यूशन, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ वीक एसिड के लिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब बढ़ते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री की ओर, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड ग्रीन केमिस्ट्री। ये बेसिकली तीनों चैप्टर्स 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। बात करें लेसन नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कई बार रिपीट किए गए हैं और वो टॉपिक जो है वो सेम ही बन के आता है। जैसे कि ग्लूकोज, अगर हम देखें यहाँ पे तो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, उसके बाद रिएजेंट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज कैसे प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम सुक्रोज, शुगर केन से कैसे बनाया जाता है, तो ग्लूकोज का प्रिपरेशन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। सो लेसन नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स में ग्लूकोज एक वायरल टॉपिक है, इसे कवर किया, अच्छे से कवर किया तो 3 मार्क्स हमारे हाथ में, ऐसा मान के हम चल सकते हैं। चैप्टर 15 इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री, इस चैप्टर का वेटेज है 4 मार्क्स विद ऑप्शन। इसमें डेफिनेशंस होता है, डेफिनेशन में जैसे हो गया कि इलास्टोमर, वल्कनाइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमर, होमोपॉलीमर, ये सारे डेफिनेशंस हैं जो हमें ध्यान रखना है। इस चैप्टर में 4 मार्क्स के लिए जो पूछा जाता है वो मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर से जितने भी प्रिपरेशंस होते हैं आप तैयार कर लीजिए। प्रिपरेशन ऑफ टेफलॉन, ऑर्लॉन, पीवीसी, नायलॉन 6, नायलॉन 6-6, टर्लिन, ये सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस माने गए हैं और वो कई बार रिपीट भी हुए हैं। सो हमें इस चैप्टर से प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस रखना है। चैप्टर 16 ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री, ये बेसिकली 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और यहाँ पे जो रिपीट किया गया है डेफिनेशंस कुछ ज़्यादा रिपीट किया गया है। नैनो केमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी, ग्रीन केमिस्ट्री, ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपको याद करने होंगे। इसके साथ साथ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आप तैयार कर लीजिए, नैनो केमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी एंड नैनो पार्टिकल्स वगैरह। सो इस तरह से जो इजी चैप्टर्स हैं उसे हमें पहले करने हैं और उनमें भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। सारे चैप्टर्स को रीड करते तैयार करते नहीं बैठना है। जब एक बार हमारा मार्क्स सिक्योर हो जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करके हो जाए, फिर हम पूरे चैप्टर्स को एक्स्ट्रा मार्क्स को स्कोर करने के लिए हम ये तैयार कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं लेसन नंबर 8 ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इस चैप्टर्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार रिपीट किया हुआ है वो है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इस टॉपिक से। इसके साथ आप डेफिनेशंस को भी तैयार कर सकते हैं, जैसे मिनरल क्या होता है, डिफाइन फ्लक्स। इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं वो लैंथेनॉइड इस टॉपिक से बन के आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी ये टॉपिक जो है वायरल है। सो आपका फोकस, मेजर फोकस इस चैप्टर्स में लैंथेनॉइड के ऊपर होना चाहिए। चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। बोर्ड एग्जाम में टोटल 7 मार्क्स के लिए विद ऑप्शन पूछा जाता है। इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कई सारे हैं जो बोर्ड में पूछे गए हैं। जो क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है वो है लाइगेंड्स के बारे में, मोनोडेंटेड, पॉलीडेंटेड, एम्बीडेंटेड, बाइडेंटेड, ये सारे लिगेंड्स के बारे में पूछा गया है विद एग्जांपल्स। इसके साथ ही आपको फार्मूलाज जो हैं उनके बारे में पूछा गया है, कुछ कंपाउंड्स रहेंगे उन कंपाउंड्स के फार्मूला आपको बताने होंगे। सो फार्मूला प्रैक्टिस कर लीजिए, जो लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसे अब सॉल्व कर लीजिए। सो उससे क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन केमिस्ट्री वो कवर अप हो जाएगा। चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव, इसका टोटल वेटेज है 7 मार्क्स। इस चैप्टर से डेफिनेशंस बनते हैं, इसके साथ साथ कुछ केमिकल रिएक्शन भी बनते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट, इसमें डेफिनेशन बन के आता है इनैंटियोमर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी कई बार पूछा गया है, मार्च 2016, जुलाई 2017, मार्च 2020। इसके साथ ही SN2 रिएक्शन, SN1 मैकेनिज्म, डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 SN2, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो कई बार पूछे गए हैं। ऐसे ही चैप्टर नंबर 12 में अल्डोल कंडेंसेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे लास्ट 10 ईयर्स में कई क्वेश्चंस बन के आए हैं। सो इस तरह से केमिस्ट्री सब्जेक्ट में ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बोर्ड में पिछले 10 सालों में पूछे गए हर एक क्वेश्चंस को हमने अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू चैप्टर्स और कौन से ईयर्स में पूछा गया विद डिटेल, कितने मार्क्स के लिए पूछा गया वो भी हमने मेंशन करके एक PDF कॉपी में ये सारे चैप्टर्स को, इन सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो आप उसे डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करिए।
दोस्तों समय कम है तो हमें प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करना है। अगर केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर कॉन्फिडेंस कम हो रहा है तो आप पहले इजी चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लीजिए, फिर जो हार्ड चैप्टर हैं उनके भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लीजिए जो कई बार रिपीट हुए हैं। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आप इसे फॉलो करिए, रिजल्ट अच्छा होगा और आपकी मेहनत रंग लाएगी। मुझे उम्मीद है आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा और इसी के साथ आई विश यू ऑल द बेस्ट।